गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैक माई चैनल JRSemTech। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज सभी साथी को मैं आज हम बताऊंगा कि आज हम फील्ड में जाएंगे और फील्ड का जो आउट ऑफ स्टेशन हम घर से नज़दीक 40 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, हम वहां पर जाएंगे और फील्ड में प्रोग्राम करेंगे। आप सभी को लाइव दिखाएंगे कि किस तरह हम फील्ड में जाते हैं और नया एरिया को जाके प्रोग्राम करेंगे, जिसको बोलते हैं हम आउट ऑफ स्टेशन। हमारा बिजनेस में सबसे ज़्यादा वहीं जगह में ग्रोथ होती है बिजनेस, जो आउट ऑफ स्टेशन में कर सकती है। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह हम जाएंगे और हमारा जो सफरिंग रहेगा वो बहुत शानदार और ज़बरदस्त रहेगा। मेरे साथ मेरी और एक अपलाइन भी रहेंगे। तो हम आप सभी को वेलकम करते हैं मेरी चैनल में और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सफर दिखाते हैं किस तरह हम फील्ड में वर्किंग करते हैं और चलिए। तो साथी आप सभी को हम दिखाएंगे कि हम साइकिल में सफरिंग करते हैं और तो आप सभी को हम दिखाएंगे कि हम साइकिल में सफरिंग करते हैं, बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं अभी, लेकिन हम 40 किलोमीटर दूर जाएंगे। ये RSM का साइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो इसमें एक रेगुलेटर मशीन लगा है, उसका एक्सीलेटर भी है, क्योंकि मैं अभी साइकिल इलेक्ट्रिक में नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल पकड़ा हूँ इसीलिए। तो आज थोड़ा कुहासा है, इसीलिए पानी थोड़ी धूप एरिया जैसे लग रहा है। तो हम आपको ये बताते रहेंगे कि हम जा रहे हैं जो आउट ऑफ स्टेशन प्रोग्राम करने के लिए। तो ये बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत मज़ा आती है। मेरे पीछे एक बैग है जिसमें केवल हम न्यूट्रिशन ही प्रोडक्ट रखे हैं और मेरे पास एक बॉडी स्कैन मशीन है जो उस बैग में मैं रखा हूँ। तो चलिए हम और आगे तक जाएंगे और बहुत कुछ सफरिंग दिखाएंगे। 40 किलोमीटर जाना है हमें, साइकिल से नहीं जा पाएंगे, आगे से हम बाइक में जाएंगे। बाइक है हमारा ऑफलाइन का, तो वहाँ से हम बाइक से ही जाएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं, अब ये हमारा बाइक है, ये मेरी ऑफलाइन है और ये मैं हूँ। तो सर आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए ना। मेरा नाम महेंद्र बेरा है। हम जा रहे हैं एक फील्ड वर्क जो कि आउट ऑफ स्टेशन, तो न्यू स्टेशन के लिए हम तैयार है जाने के लिए। तो उसके लिए हम सुबह सुबह बाहर गए हैं। और आपका क्या पढ़ाई करें आपका इंट्रोडक्शन? मैं PhD करता हूँ, उसके साथ मैं कौन सा सब्जेक्ट है सर? इकोनॉमिक्स में PhD करता हूँ, उसके बाद मैं एक्टिव पार्ट टाइम करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना से। अच्छा तो ठीक है, हम चलेंगे। और ये हमारा बाइक है और ये मेरी गुरुजी है, मेरी ऑफलाइन है और मेरी फ्रेंड्स भी है। तो हम चलेंगे और आगे तक बिजनेस को डिटेल्स हम आपको समझाते रहेंगे कि हम जब आउट ऑफ स्टेशन के लिए निकलते हैं। तो हम आउट ऑफ स्टेशन निकल रहे हैं और आउट ऑफ स्टेशन के लिए कुछ क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि हम पहले घर से निकलने पहले हम हमारा बैग चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने प्रोडक्ट है, क्या क्या है नहीं है, और सारी चीज़ को देखते हैं, बुक देखते हैं। पहले हम जाके ना बाहर में जाते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ रेडी होना चाहिए। तो बुक देखते हैं, बुक हमारे पास प्लानिंग बुक है, न्यूट्रिशंस बुक है और A4 साइज़ पेपर होना चाहिए, डायरी भी होना चाहिए, वो सारी चीज़ होना चाहिए। तो जिससे हमें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं यहाँ पर से 40 किलोमीटर दूर। और क्योंकि साइकिल में अभी आया था, अभी बाइक में जा रहा हूँ, मेरी साहब ऑफलाइन में अभी चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं बताऊँ आप सभी को कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले हम भी इस तरह कॉन्फिडेंस लो से चल रहे थे। हम फील्ड में 2-3 बार गए, वहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। जहाँ पर हम जा रहे हैं आज, वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारा नहीं था, लेकिन हमने पहले गए और डोर टू डोर प्रोग्राम करना शुरू किए। फिर देखे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आए, फिर हम एक टेक्निक को अप्लाई करना शुरू किया। मुझे लगता है आप सभी लोग इस तरह टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपका जो बिजनेस है ना वो बढ़ जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा। आउट ऑफ स्टेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है कि हम ये सीख रहे हैं, हम खुद ही सीखे हैं, कोई ऑफलाइन या कोई ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया। जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे ना तो ये दिमाग खुलेगा नहीं, और दिमाग जब तक नहीं खुलेगा तो बड़ी इनकम, बड़ी लेबल, बड़ी पिन कभी भी नहीं मिल सकती। तो आउट ऑफ स्टेशन जब हम जा रहे थे तो ये किस तरह हम काम करते थे कि हम पहले जा रहे थे और डायरेक्ट डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में कभी वार्ड मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं और सरपंच भी रहते हैं, जैसे आप ग्राम प्रधान जो भी मानते हैं आपका एरिया में। तो हमने शुरू किया वहीं से शुरू करेंगे, ये बेहतरीन तरीका है। जैसे उस एरिया का कोई आदमी को हम पकड़ लिए और पूछे कि यहाँ पर कोई वार्ड मेंबर है या नहीं है, तो लोग बताना शुरू कर देते, और हमने गए और उनसे मिले और मिल के आए। तो ये हमारा सफ़र रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत एक्साइटमेंट है। आज हम तो धूम मचा के आएंगे, ऐसे कि 10-12 हज़ार का प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, फिर शाम को लौटेंगे, रात को लौटेंगे। हम अभी सुबह निकल रहे हैं
अभी सुबह हमारा 8:30 बज रहा है, हम निकल चुके हैं खा के नहा के निकल चुके हैं। तो थैंक यू, आगे तक चलिए हम दिखाएंगे, हम एक नदी पहरेंगे उनका नौका का ऊपर, तो हम आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, चलते रहिए। अब हम पहुंच चुके हैं, अबे नौका पार करके इस नदी पार करके हमें जाना है और उस पार हमारा प्रोग्राम होगा। तो ये जो स्टेशन है आउट ऑफ स्टेशन, ये बहुत शानदार है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आपको थोड़ी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। हाँ, तो हम इस नौका से जाएंगे और इस तरह हम आपको बताते रहेंगे, नदी पार हो जाएंगे, फिर आपको वीडियो। अब हम निकल रहे हैं पानी से, जाएंगे उस तरफ जाएंगे। अब हम नदी पार कर चुके हैं और चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि काम है उसका ऊपर, फिर काम करने के बाद उसको जलाना पड़ती है, आग में देना पड़ती है, फिर आग में देने के बाद उस ईटा निकलती है। तो ये कुछ देखिए कच्चा ईटा है और ये देखिए ये अभी उसका पत्ती है, ये का ये गर्म ये कहा जाता है, आग में दिया जाता है। और अब यहाँ पर खेती हो रहा है, बादाम की खेती हो रहा है, जो मूँगफली है, मूँगफली का खेती हुआ है यहाँ पर। और हम दिख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा खेती होती है और खेती का एरिया में यहाँ पर हरित संजीवनी भी अच्छी तरह बेच पाते हैं और बिक पाते हैं। तो ये सारी चीज़ है और हम चलते हैं और चलिए हम फील्ड में, जब जाएंगे लोगों से मिलेंगे फिर हम आपको। जय श्याम, अभी हम लौट रहे हैं, अभी अंधेरे हैं और अभी हमें लगता है आप देख नहीं पाएंगे, फिर भी हम लौट रहे हैं। और जो हम आउट ऑफ फील्ड गए थे वहाँ पर जो प्रोग्राम किए थे और उधर जाके हम कुछ प्रोडक्ट भी बेचे और एक नया ज्वाइनिंग भी लाए और ज्वाइनिंग करके अभी लौट रहे हैं हमारा घर में। तो घर से तो हम 40 से 50 किलोमीटर डिस्टेंस से गए थे और उधर से लौट रहे हैं। तो इस तरह हम आगे तक करते रहेंगे और आप भी इस तरह फील्ड में जाना है, सभी को काम भी करना है। देखिए घर से कुछ नहीं होता, दुनिया में हर बड़े लोग फील्ड में जाना पड़ती है और काम तो वहीं पर करना पड़ती है। तो आप सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को आ रहे हैं। मैं जितने सारी बात आपको बताऊंगा ये सारे बात ज़मीन से जुड़े हैं, मैं फील्ड से जो करता हूं, जो ऐसा होता है, जो फील्ड में जो रिजल्ट आते हैं, जो जितने सारे रिजेक्ट रिजल्ट, वो सारी बात आप सभी को मैं बताते रहूँगा, जिससे आप सभी को बहुत हेल्प हो सके। तो आप सभी को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय आर सेम, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू। तो अभी हम लौट रहे हैं, जा रहे हैं घर पर। और जो एक आज हम न्यूट्रीचार्ज मेन बेचे और एक ग्रीन टी बेचे और दूसरा हम एक जॉइनिंग भी किए और बहुत सारे लिस्ट लेके आए, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई भी नहीं है, हम खुद आते हैं फील्ड में काम करते हैं और लौटते हैं और जाके हम इस तरह काम करके अपने टीम को बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी हम बाइक में हैं, मेरी सीनियर है वो बाइक में है, हेलमेट में है और मैं उनका पीछे बैठा हूं। और हमारा जो ये जो पैकेजिंग है, ये बैग है और इसका नीचे एक पेटी है, उसमें हर सारी प्रोडक्ट है। और मेरे पीछे में एक बैग है, उसमें भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। तो हम जो कर रहे हैं इससे, जो सारी बात हम फील्ड में जो करते हैं, ये सारी बात आप सभी को हम शेयर करेंगे और जो हमारा बिजनेस बढ़ाने का जो एनर्जी है, आपको इसी तरह एनर्जी से काम करना पड़ेगा, हैं, तब जाके बिजनेस बढ़ेगा। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा सर, बैठे रहिए ना तो बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। तो आप चलते रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारी बात सुनते रहिए। और हम आप सभी को सपोर्ट करते रहेंगे इस तरह। और जय आर सेम, थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलना, थैंक यू जय आर सेम, थैंक यू।